महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों प्रेम और मोह देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, जैसे खाने का सोडा और बूरा देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में और उपयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम में स्वार्थ या लालसा होनी आवश्यक नहीं, बल्कि इन दोनों का ना होना प्रेम को ऊंचा दर्जा दिलाता है। प्रेम में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, बल्कि प्रेम तो बसंत की उस मधुर व शीतल हवा की भांति होता है, जो अपनी ओर से हर एक को समान रूप से प्रभावित करती है। यह एक अलग बात है कि बुखार में तपता हुआ व्यक्ति उसकी सुखद अनुभूति कर नहीं पाता, लेकिन हवा को इससे कोई सरोकार नहीं है, वह तो सबको समान रूप से लाभ देती रहती है। प्रेम भी ऐसा ही है, स्वार्थ व लालसाओं से रहित प्रेम को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। मोह में दुराग्रह होता है। मोहग्रस्त व्यक्ति ईश्वर को तभी तक प्रेम करता है जब तक उसके स्वार्थों की लालसाओं की पूर्ति होती रहती है। जहाँ लालसा पूरी नहीं हुई, उसका तथा कथित प्रेम खत्म, ऐसा प्रेम मोह होता है। प्रेम सर्वोच्च है, जबकि मोह निष्कृष्ट है। मोह सदैव दुख का ही कारण बनता है। इसके विपरीत प्रेम प्रेम करने वालों को भी सुखी करता है और प्रेम पात्र को भी सुख पहुंचाता है। मोह को छोड़ प्रेम को अपनाना, यही सुखी जीवन का सार है। महापुरुषों बड़े सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।